हेलो फ्रेंड्स, उमा किचन में फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे दिल पसंद, चलिए बनाते हैं वीडियो। ऐसा वाला कटोरी में एक कटोरी हम मैदा लिए हैं। अभी इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर हाफ चम्मच, नमक थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, घी डाल दे रहे 2 चम्मच। इसको अच्छा से मिला लेंगे हाथ में। इसको हम अच्छा से मिला लिए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका टाइट डो बना लेंगे। एक तो मैदा को हम अच्छा से सान लिए हैं। अभी इसको 10 मिनट रेस्ट में देते हैं। अभी दिल पसंद का पूर बना लेते हैं। अभी कोकोनट का पाउडर लिए हैं 3 चम्मच, इसको डाल दे रहे हैं। अभी इसमें डाल दे रहे हैं किशमिश, पिस्ता काट के रखे थे इसको डाल दे रहे हैं, और काजू को भी काट के रखे हैं इसको भी डाल दे रहे हैं। टूटी फूटी डाल दे रहे हैं इसमें। मिल्क पाउडर है 2 चम्मच, इसको डाल दे रहे हैं। अभी इसको सब मिला लेंगे। मेरा ये वाला पूर रेडी है। चीनी का पाउडर डाल दे रहे 3 चम्मच। इसमें हम 3 इलायच को पीस लिए थे चीनी का साथ, उसका खुशबू जास्ती आएगा बोलते। इसको मिला ले रहे फिर से। 10 मिनट के बाद थाली हटा ले रहे हैं। हटा के मैदा को फिर से थोड़ा सान लेंगे अच्छा से। इसको एक तो छोटा साइज लोरी बनाएंगे, एक तो बड़ा साइज का हम लोरी बना लेंगे। ये देखिए, एक तो बड़ा साइज का, एक तो छोटा साइज का बनाए। अभी इसको गोल करके अभी बेल लेंगे। पहले हम छोटा साइज का बेल ले रहे हैं। इसमें मैदा छिड़क दे रहे थोड़ा। इसको थोड़ा जास्ती पतला करके अभी बेलेंगे। देखिए, हम पतला करके बेल लिए हैं। अभी इसमें हम घी दे रहे हैं। अच्छा से हम ब्रश से मिला लेंगे इसको। इसको अच्छा से हम मिला के अभी इसमें कॉर्नफ्लावर छिड़ देंगे। अभी इसको फिर ऐसे मोड़ लेंगे। ऐसे करने से इसका लेयर आएगा। फिर इसको ऐसे करके मोड़ लेंगे। फिर इसको ऐसे इसको दबा देंगे। फिर इसको बेल लेंगे। इसको जो बेलेंगे अभी, जैसे रोटी बनता है उसी हम बेलेंगे इसको। अभी देखिए, इतना पतला हम बेले हैं। अभी दूसरा हम बेल लेंगे। अभी हम पतला करके इसको, जास्ती पतला नहीं किए, रोटी जैसा बनाए हैं इसको। अभी हम पानी लगा ले रहे थोड़ा थोड़ा इसमें। बीच में हम जो पूर बनाए थे उसको हम दे रहे हैं। ये वाला भर के देना पड़ता है पूर को। फिर दूसरा वाला जो बेले थे इसको हम अभी इसमें डाल दे रहे ऊपर। इसको ऐसे दबा दबा के इसको हम सेट कर ले रहे हैं। अच्छा से दबा दिए। फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दे रहे हैं। थोड़ा घी डाल दे रहे हैं। इसको हम अच्छा से प्रेस कर ले रहे हैं। गैस स्लो रखिएगा। अभी पूर वाला जो बनाए हैं इसको डाल दे रहे हैं। ये वाला हिस्सा नीचे डाल देंगे। अभी इसको 20 मिनट तक हम इसको गैस स्लो करके इसको पका लेंगे। अभी थाली को हटा ले रहे हैं। तवा को हम चेंज कर लिए हैं, क्यों ना उसमें जल जा रहा था। अभी हम घी लगा ले रहे ऊपर से।
आप तो रिफाइंड तेल भी लगा सकते हैं इसमें। अभी इसको हम आस्ते से इसको अभी पलटी कर दे रहे हैं, देखिए कितना अच्छा बना है। फिर इसको हम घी लगा लेंगे ऊपर से। अभी इसको फिर 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। फिर थाली हटा ले रहे हैं, देखिए हम पलटी करके दिखा रहे, हो गया है। अभी इसको हम निकाल ले रहे हैं। ठंडा होने के बाद हम काट के आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको काट के दिखा रहे, देखिए कितना मुचमुचा हुआ है, देखिए। देखिए कितना अच्छा बना है, दिल पसंद कितना अच्छा हम बना लिए हैं। देखिए आपको अंदर का भी दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे आप घर में बना के खा सकते हैं। आपको रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।